हे गाइस, माय नेम इज स्ट्रक्चर एंड आप लोगों का स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक और नए दिन में। और ये अपना पिगलैंड भाई साहब यहाँ पर आ गए। हेलो सर, कुछ चाहिए आपको? ओके, तो मैंने कुछ टाइम पहले अपने चैनल पे मेरी लाइफ की सबसे पहली लाइव स्ट्रीम की थी, या लाइफ की सबसे पहली लाइव स्ट्रीम, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और मेरे को भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ भाई कैसा होता है ये। और मैंने उसमें अपनी लाइव स्ट्रीम पर बेसिकली एक Q&A सेशन रखा था छोटा सा, तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूछे, चैलेंजेस मिले करने को और बहुत सारी चीज़ें हुई और कुछ हादसे भी हो गए जो कि मैंने सुधार दिए बेसिकली। अगर जिन्होंने भी वो अगर लाइव स्ट्रीम मिस हो गई या फिर देख नहीं पाए हैं तो मैंने एक हाईलाइट बनाई है, पहले वो देख लो। और हाँ, आज अपन जाने वाले हैं विदर स्कल को ढूंढने के लिए। पिछली बार भी मतलब लाइव स्ट्रीम में भी वही करने गया था, पर सम रीज़न मैं मर रहा था बार बार, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा कि एपिसोड में अपन वेदर स्कल को ढूंढेंगे, तो अपन थोड़ी देर बाद वो करने जाएंगे। तब तक मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ, आप लोग वीडियो देखो। ओके ठीक है, अगर वॉकेट मैंने वो अगर कर लिया ना, देखना मैं करके दिखाऊंगा, मैं इसकी बेइज्जती नहीं होगी भाई। मेरे पास 17 लेवल्स, ठीक है ना, 17 लेवल्स कितना मुश्किल है पता है ना पाना, सबको पता है माइनक्राफ्ट में बहुत मुश्किल होता है। और मैं लावा में गिर के, व्हाट द हेल। ओके बस भाई जले ही जा रहा हूँ मैं, व्हाट द हेल क्या हो रहा है। मरे ही नहीं, चैट कुछ नहीं देखा किसी ने। और अब वो चैलेंज करते हैं, तुम लोगों ने बोला है ना, चलो करते हैं। यहाँ पर ये जगह सही लग रही है। एक दो, ये देखो, ये 64 ब्लॉक्स। ओके 64 ब्लॉक्स हो चुके हैं, और उसके बाद 65, और पांच और डालना है, 1 2 3 4 5। भाई साहब मैं जिंदा बचूंगा? फिर कभी माइनक्राफ्ट खेल पाऊंगा? आई थिंक नहीं। चूज किया तो 100। भाई तुम क्या डिमांड बढ़ाए जा रहे हो, मैं इतने ब्लॉक्स लाया हूँ वैसे, पर एक बार ये वाला करके तो देख ले। करूँ क्या मैं 70 की, चलो 100 कर ही देते। चलो कितने हुए थे ये, 55 और डाल देते साथ में, ठीक है ना, 55, चलो 100 से ऊपर है। ओह गाइस, दिस इज सो डेंजरस। मेरी चीज़ें रेंडर तक नहीं हुई है, और यहाँ से घिरने के बाद मैं खुद रेंडर नहीं होऊंगा फिर। ओके चलो, टाइम वेस्ट हो गया बहुत। कुत्ते देखो मर जाएंगे, मेरी कोई गारंटी नहीं, ठीक है ना। मैंने ट्राई किया है, मैं कोई मतलब मैंने बोला है प्रो प्लेयर हूँ, पर ठीक है चलो लेट्स गो। क्या बोला था 100 से ऊपर प्लस ब्लॉक, ठीक है ना, मैंने किया पूरा 100 प्लस ब्लॉक किया है। तालियां बजनी चाहिए, ये होते हैं प्रो लोग। भाई साहब ये क्या टावर सा बना दिया है। यस आई डिड इट 70 ब्लॉक कर रहे थे, नहीं 100, नहीं 108 प्लस। यस ऐसे होते हैं प्लेयर। तुम्हें फेस्टिवल दिखाऊंगा इस पर्सन का। ये जो जोजो है ना, वो मेरी रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। ये देखो, ये है वो पर्सन। अरे हाँ मैं ही हूँ, रुक जा। ये है वो इंसान जिसका नाम जोजो है, जो मेरा सबसे प्यारा पेट है, मेरा छोटा भाई पिद्दू मास्टर। डॉग टू माउस ट्रांसफॉर्मेशन, डॉग टू माउस फ्यूजन, नहीं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फ्यूजन नहीं हुआ। फ्यूजन होता तो फिर अलग ही क्रिएचर बन जाता ना, फ्यूजन होता तो अलग क्रिएचर बन जाता। ये पी के वैसे इसको माउस का दर्जा दे लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। देखो इस कुत्ते को थोड़ा वाइट करते हैं। बाय द वे मैं इसको वाइट कर रहा हूँ तो कुछ समझ उल्टा मत समझ लेना कि मैं रेसिस्ट बनता हूँ, क्योंकि मैं चूहा वाइट है और डॉग वाइट है, इसलिए मैं उसको वाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर हाँ कितना डरावना लग रहा है, ये कौन सा ज़ॉम्बी है। ये देखो ना। ओके
ये बन गया अपना व्हाइट कुत्ता। जब इसका मुंह ऐसे बंद खुला होगा ना तो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, और जैसे मुंह बंद होगा चूहा बन जाएगा वो। नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, डार्क फीलिंग दिलानी तुम लोगों को भाई। ये घुस के आएगा तुम्हारे घर में, ठीक है ना। क्या है ये, यही डरावनी क्रिएचर है जो मैंने क्रिएट किया है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, ये क्रिएचर तुम्हारे घर में आके बैठेगा, ठीक है ना। मैं गारंटी नहीं लेता, मैंने बना दिया है बस। कभी कभी लगता है मैं ऐसे काम करता ही क्यों। लेट्स गो, लावा में कूदना और निकलना है, ठीक है ना। ये काम करना है ना, सिंपल है। देखो ये रहा लावा, कोई चीटिंग नहीं, ठीक है ना। देख लो अच्छे से, मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को जो जो इस लावा में घिस जाए, इसलिए मैं सेफ्टी के लिए इसको यहाँ पर बैठा देता हूँ। इस चीज़ से तुम सेटिस्फाई हो इसलिए मैं वो करूँ। चलो तुम्हारा ये चैलेंज भी कंप्लीट कर लेते हैं। बता, यस यस, सारे चैलेंजेस कंप्लीटेड भाई। एक हार्ट है मेरा, एक हार्ट, देख रहे हो, एक हार्ट। आई एम सो डेड। जो जो तूने देखा उसको कोई फिक्र ही नहीं है मेरी, मरे तो मरने दो भैंस की। मैं मर लिया वहां पर, बचाने भी नहीं आया तू मुझे। शर्म आती है कुछ है, बस ये प्यारा सी शक्ल बना देता अपनी। Get out! Jojo, मार! What the heck? टेंशन ना लो, दिक्कत की बात नहीं अगर जोजो मर गया है तो, क्योंकि मेरे पास इसका बैकअप पड़ा हुआ है, मैं ले आऊंगा उसको। मेरी गलती है पता है, क्योंकि मैंने ऑप्शन हार्ड पे रख रखा है। मेरा जोजो मेरे आसपास नहीं, मेरे को लोनली फील हो रहा है, ठीक है ना। गुस्सा आ रहा है मुझे जोजो भाई। क्यों ये भाई यार, मैंने हार्ड मोड क्यों कर रखा था भाई। डन, अभी काफी अच्छा लग रहा है ना। जो जो होता तो देखता खुश होता, पर मुझे ये सब चीजें पता वापस बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस बैकअप में नहीं होगी। पर मैं, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। ऑलराइट, देख ली लाइव स्ट्रीम, छोटी हाईलाइट देख ली। ओके, मैं भी प्रिपेयर हो चुका हूँ, खाना ले लिया अपने, सब चीज ले ली नेदर में जाने के लिए। तो देख लिया होगा उसमें जो जो मर गया था, पर टेंशन ना लो, लुक हूज बैक जोजो। ये तुझे पता भी नहीं, पता है जोजो तू मर गया था पिछली लाइव स्ट्रीम में, इसको कैसे पता होगा, इन्हीं की वजह से हुआ था ये। पर ही इज बैक नाउ, ही इज बैक, तो टेंशन वाली बात नहीं। और मैं तो कोई यहाँ पर ही रखूंगा, कहीं इधर उधर रखने वाला नहीं, सॉरी। इसलिए पिगलैंड भाई साहब, आप भी इससे दूर रहना, ठीक है ना। और जो भी लोग लाइव स्ट्रीम में आए थे, अच्छे अच्छे सवाल किए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे पॉजिटिविटी वाले, तो यार उन सब का थैंक यू। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और अपन चलते नेदर में, बहुत हो गया। और मैंने, हाँ, लाइव स्ट्रीम में कभी कभार ऐसी गलतियाँ हो जाती मेरे से, कि मैं चैट्स पढ़ नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि मेरे को मोबाइल से पढ़नी पड़ रही थी, और मोबाइल में पता नहीं अपडेट नहीं हो रहा था, तो कुछ दिक्कत है उसकी वजह से भी आ रही थी। तो अगर मैं किसी बंदों की चैट या फिर ऐसा कुछ पढ़ नहीं पाया होऊंगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। और या
ऐसा ही सीन है। तो फटाफट अपन वेदर्स कर लिया थे क्योंकि अपन को नेक्स्ट एपिसोड में वेदर के लिए प्रिपेयर करनी पड़ेगी, फाइट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तो उसका भी अपन को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना पिग्गी मास्टर। अब दूर रह जाए मेरे प्लेटफॉर्म से, ठीक है ना। आई थिंक मैं सही जगह जा रहा हूँ, या यहाँ पर ही तो है नेदर फोर्ट्रेस। वेदर स्कल ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर मेरे पास एक ऑलरेडी पड़ा है, तो मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी हो सके मेरे को दो फटाफट मिल जाए। यप, और यहाँ पर बहुत अंधेरा हो रखा है, मैं टॉर्च लाना भूल गया, ये गलती कर दी मैंने। वेदर्स, मेरे को एक काम करना चाहिए, थोड़े से ये ले लेने चाहिए। आई थिंक मैं सब चीज़ लाना भूल गया, मैंने बोला मैं प्रिपरेशन करूँगा, केकोड़ा प्रिपरेशन नहीं हुई मेरी। नहीं, इनसे ब्लेज नहीं चाहिए मुझे, ब्लेज का भी अब जुगाड़ है मेरे पास, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओह हेलो, मैं यहाँ पर नहीं आया क्या? व्हाट द हेल, मेरे घोड़े का आराम मिल गया भाई। भाई साहब मुझे नहीं पता था यहाँ पर भी एक और चेस्ट है, तीन चार चेस्ट है। डायमंड गोल्डन आर्मर, भाई साहब मेरे घोड़े को तो मजे हो गए, इसमें डायमंड सही है, सैडल डायमंड मिल रहा है। भाई मैं यहाँ पर आया कैसे नहीं, पिछली बार मैंने शायद ध्यान से देखा नहीं ये जगह। ऑलराइट, किस्मत अच्छी थी जो मुझे दिख गया, पर मेरे को वो नहीं मिल रहे है। आई थिंक मेरे को थोड़ा हार्ड भी करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अब जाके स्पॉन हो गया मेरे को लग रहा है। येरा, एक आ गया, एक मिल गया। Come you dummy little gummy, come you idiot. नहीं, गो भैंस की। हाँ, बच गया भैंस की, मेरे को इससे डर लगता है। दूर रहे, दिया स्कल नहीं दिया इन्होंने। यहाँ पर रोड हो गए शायद, मचेस्ट है भाई आज तो, माला माल भाई। गोल्डन भाई सब, दो गोल्डन आर्मर हो गए हॉर्स वाले, वहाँ पर भी एक चेस्ट है भाई, तीन हो गए घोड़ हो गए तो मजे भाई। हेलो, कोई नहीं यहाँ पर, ओके। यहाँ पर भी बहुत भाई डायमंड देखे तुम लोगों ने, सब लेता जा रहा हूँ मैं तो, बस कोई एक्सक्यूज नहीं होगा यहाँ पर। भाई मैं सही में यहाँ पर नहीं आया था, पता नहीं मैंने क्यों नहीं देखा ये भाई, पता नहीं क्या होता है, व्हाट द हेल। ना ये तो वही है, पर मैं जिस चीज के ओ यहाँ पर भाई इतने सारे आर्मर दे दिए, पर मैं इस आर्मर का अपने घोड़ों पे लगाऊंगा, सिर्फ एक लगेगा पता है, दोनों को गोल्डन करवा दूंगा मैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इतने सारे देने से अच्छा तो मुझे कुछ अच्छा दे दो, बुक दे दो। हेलो डमी डमी लिटिल गमी, या कम नियर मी स्ट्रेटजी। प्लीज मेरे को दे दो, नहीं अरे यार मेरे को उन लोगों की आवाज आ रही, पर पता नहीं है कहाँ वो, खचर 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 कर रहे हैं वो कब से। ओ मर भैंस की, दिया इसने नहीं, आना तू भी ये एक और हिट नहीं दे रहे ये लोग भाई यार। ओ ना बेटा, तुम्हारी स्ट्रेटेजी पता है मुझे, अभी भी नहीं दे रहे ये लोग, और गोल्ड और आर्मर भाई कितना हो गया मेरे पास पता है, सोच भी नहीं सकता मैं। ये देखो
एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हॉर्सेस के आर्मर है। मैं रो रहा था कब से, और देख लो अब कितने सारे मिल गए। नोप। हाँ, 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 नो, भाई साहब, मैं डर गया। नीज अटैक, नहीं दिया इसने भी कुछ भी। अब तो आजा वन वी वन है, ये ले। यस, ये क्या हो गया? कुछ चैलेंज मिला मुझे, कंप्लीट हुआ मेरा आई थिंक, पता नहीं कैसे, वट एवर, मैंने मार दिया इसको। अब बूम, बच गई तू। ए, अचीवमेंट्स मिल रहे मुझे अच्छे अच्छे पर विद द स्कल नहीं मिल रहे मुझे। ये फिर से कोई नई जगह पे आसपास है यानी बंदे। गोल्ड, गिव मी द गोल्ड, गोल्ड, आई लाइक द गोल्ड। यम 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 यम, यम 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 यम। इतने सारे गोल्ड आर्मर नीचे मुझे बहुत हो गया। डायमंड चाहिए मुझे। यम 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 यम। ओ अरे, इसकी तलवार है नीचे मुझे, इसका हेड चाहिए मुझे। बकवासपंती हो रही है भैंस की। इसमें क्या है? गोल्ड, यम यम यम। मैं उनसे ट्रेडिंग करूंगा फिर गंदी वाली, ये पिगलैंड मास्टरों से। यस, एक मिल गया, एक मिल गया। चल तेरी, हट यहाँ से। तू भी दूसरा गिरा दे, मेरा काम इजी हो जाएगा। यस भाई साहब, फाइनली मिल गया एक। ओह माय गॉड, तू भी देख, दे दिया क्या इसने भी? नहीं यार, हटाओ इसको। यस विदर स्कल, यस। एक और चाहिए बस, अब एक और चाहिए मुझे, उसके बाद अपने यहाँ से निकलेंगे फटाफट। अरे जाओ रे यार, एक और तू दे दे प्लीज, तू ड्रॉप कर दे। आई थिंक हेड पे मारना होता है तभी मिलता है शायद, नहीं? इधर आओ, इधर आओ, एक एक करके इधर आओ। पैंस की हेड पे, हेड पे, हेड पे, हेड। पैंस की मारा कैसे तूने? दे दो एक, नहीं एक और चाहिए गाइस, सिर्फ एक और चाहिए, उसके बाद अपन घर पे जाएंगे। अभी मेरे को 2 घंटे हो गए और अभी तक एक मिला है मुझे, पर लेना तो है ही आज ही। 1 hour later। दिया इसमें, यस गाइस, फाइनली फाइनली, इतनी मशक्कत करने के बाद फाइनल स्कल। अब चलेगी चुपचाप घर, ठीक है ना, कोई कोई मटर घिसती नहीं। अरे बाहर, दूर रहो मेरे से भैंस की, दूर रहो। पर मिल गया आपने को जैसे तैसे करके। आसपास कोई तो नहीं, ओके इधर आप भैंस की भाग कर रहे हैं। बाय द वे, मुश्किल तो है वेदर स्कल ढूंढना, पिछली बार तो मुझे बहुत इजीली मिल गया था, पता नहीं कैसे एक दो शॉट में, बो के शॉट में पट्ट से निकल गई इसकी खोपड़ी। ये हम पहुंच गए, अब चलते हैं जोजो के पास। 3 घंटे हो गए, पता है 3 घंटे। फाइनली 2 स्कल लेके आ गए अपन। ओह माय गॉड, जो जो ये
लुक एट दिस एक और कहा है, लुक एट दिस, ये रहा तीन स्कल जोजो, इमेजिन भाई साहब में लिया आया। जोजो को देख के इतना अच्छा लग रहा है मुझे भाई साहब। गॉड डैम येलो भाई साहब कितना सही लग रहा है, लुक एट दैट, गजबी नहीं लग रहा है भाई साहब, चमक गया है तो। तो देखो अपने फैमिली में एक और नया सदस्य जुड़ा है, वो है ये एंडर, एंडर वाली बिल्ली, लुक एट दैट कितनी मस्त दिखती है ना। मेरे पास हर टाइप की बिल्ली है तो मैंने सोचा इसको भी, ये लुक एट दैट शी सो ब्यूटीफुल, कितनी मस्त लग रही है। अब मैं तो को यहाँ से फ्री कर दूँ ठीक है ना, बस ये बस यही बताना था तुम लोगों को। ओके ये सब अब खुश हैं मज़ेदार, चार बिल्लियाँ हो गई मेरे घर में। आई थिंक आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में अपन बहुत सारे अभी पोर्शन से बनाने हैं, वेदर के लिए फाइट की प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारे काम करना है, तो या अपन नेक्स्ट एपिसोड में वो सब चीज़ें करेंगे। और या आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो यार लेवल लाइक, एंड जो भी नए आए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, और मैं मिलता हूँ माइनक्राफ्ट के एक और नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।